यहाँ पर एक बात आपने जो नोटिस किया होगा कि जो वीडियो की जो लंबाई है ना, जो लेंथ है यार, वो जो है भाई बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको जो मैं क्लियर करता हूँ, यहाँ पर बता दूँ ये जो है मैंने कोई भी जो है गूगल पे सर्च नहीं किया है टॉप 5 वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, फिर मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने जो अपने पास हम जितने भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो यूज़ किए हैं, जो मुझे सच में अच्छे लगे हैं, वही आपको मुझे इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये भी हो सकता है कि आप मुझे बोले बाद में कि अनमोल तूने जो है इस सॉफ्टवेयर को जो है इंक्लूड नहीं किया, ये आना आने आना चाहिए था इसके बदले। तो हो सकता है कि मैं जो उस सॉफ्टवेयर को जो है यूज़ में ना लिया हूँ, या फिर मुझे जो है अच्छा नहीं लगा होगा, जैसे कि सोनी वेगास, इसको मैं जो है इस लिस्ट में जो है नहीं डाला हूँ क्योंकि यार मैंने इसको जो है यूज़ में नहीं लिया हूँ। तो जो मैंने यूज़ किया है बस वही बताऊँगा। और साथ ही बता दूँ भाई, इस वीडियो में आप कुछ भी मैटर नहीं करता, आपके पीसी में चाहे 2 GB RAM हो, 4 GB RAM हो, 8 GB RAM हो, या फिर 16 GB RAM हो, या फिर अबाउ 16 GB RAM हो, भाई ऐसे ऐसे मैं जो सॉफ्टवेयर बताने वाला हूँ ना, जो कि आपके पीसी के हिसाब से एकदम बेस्ट होगा, 2 GB RAM है उसके लिए बेस्ट होगा, 16 GB RAM है उसके लिए बेस्ट होगा, मतलब आप जो अपने पीसी के अकॉर्डिंग जो है चूज़ कर सकते हैं पाँचों में से एक को, और हर पीसी टाइप के लिए बताऊँगा। तो सबसे पहले तो आप जो है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि भाई आप जो है कौन से वीडियो को एडिट करोगे, मतलब यूट्यूब की वीडियो को एडिट करोगे या फिर कौन से वीडियो को एडिट करोगे, नीचे कमेंट बॉक्स में जो है जरूर बताना। सबसे पहले तो यही काम करना, और हाँ यार लाइक कर देना यार, बहुत ज़रूरी है, साथ ही में सब्सक्राइब भी मार देना, अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे लिस्ट के पहले एप्लीकेशन के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में। तो यार वहाँ आता है भाई दाविंची रिजॉल्व। इसको जो है लिस्ट में पहले नंबर रखने का एक ही रीज़न है यार, कि ये जो सॉफ्टवेयर है ना भाई एकदम हैवी सॉफ्टवेयर है, मतलब कि आपको जैसा एडिट करना है सब पॉसिबल है सॉफ्टवेयर में, और उसके साथ ही ये जो है पूरा का पूरा फ्री है। हाँ भाई फ्री है, इसका पैड वर्जन भी आता है पर उसको लोगों को जरूरत नहीं पड़ता भाई, जो फ्री है इसमें कोई भी वाटर मार्क नहीं है, कोई भी लिमिटेशन नहीं है, आपको जैसे एडिट करना है सब कुछ कर सकते हो। ज़्यादातर लोग जो है स्विच इसमें इसलिए करते हैं क्योंकि उनको जो है अपना जो वीडियो का जो कलर करेक्शन है, कलर ग्रेडिंग है, वो जो है अच्छा करना रहता है। तो इसमें आपको जो है बहुत अच्छा ऑप्शन जो है देखने को मिलता है कलर ग्रेडिंग और कलर करेक्शन का, तो लोग स्विच करते हैं। मैं खुद इसमें जो है स्विच करने वाला हूँ, करने वाला हूँ नहीं मतलब ट्राई करो, अभी सीख रहा हूँ इसको, करीब मुझे जो 2 हफ्ता होने वाला होगा। मैंने इसको जो डाउनलोड किया है फ्री में इनके ऑफिशियल वेबसाइट से, और भाई मैं जो है ट्राई कर रहा हूँ। 1.7 GB का है बता दूँ, ये जो सॉफ्टवेयर है भाई एकदम नेक्स्ट लेवल का है, और यहाँ पर एक ही सॉफ्टवेयर में आपको जो है हर एक चीज़ जो है देखने को मिल जाता है, चाहे बात कर लो वीडियो एडिटिंग का, वीडियो कटिंग का, या फिर थोड़ा सा एनिमेशन का, VFX का, या फिर ऑडियो एडिट का, भाई सब कुछ एक ही सॉफ्टवेयर में मिल जाता है जो कि 1.7 GB का है। और ये सॉफ्टवेयर है मैं बोलूँगा बहुत ईजी है, लाइक मैं जो है अडोबी का प्रीमियर प्रो यूज़ करता हूँ, तो उसमें मुझे जो है 2 प्रॉब्लम होता है। पहला ये कि यार वो जो थोड़ा सा ना स्टार्टिंग में थोड़ा टफ लगता है वो, और सेकंड बात ये कि अगर मुझे जो है एनिमेट करना है तो सिंपल सा आफ्टर इफेक्ट्स डाउनलोड करना पड़ता है, और अगर मुझे जो अपना ऑडियो क्लियर करना है तो यार सिंपल सा ऑडिशन, साथ ही में जो रेंडर करना है तो मीडिया एनकोडर, ऐसे करके बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर है उसको जो डाउनलोड करना पड़ता है। पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, सिंपल एक ही सॉफ्टवेयर में सब कुछ दिया हुआ है, और यही इसका खास है। और मुझे यार पसंद बताऊँ तो फर्स्ट इंप्रेशन इसका काफ़ी अच्छा लगा, और इजी टू यूज़ लगा, तो मस्त लगा मुझे तो, साथ ही में फ्री है तो भाई ये प्लस पॉइंट हो जाता है इसको नंबर 1 में रखने के लिए। बात कर सिस्टम रिक्वायरमेंट की यार, तो जितना अच्छा आपकी अभी आपको लगा है ना सुनने में कि भाई मस्त है सॉफ्टवेयर, उतना अब बेकार लगने वाला है भाई। ये जो सॉफ्टवेयर है मिनिमम आपके पीसी में इसको रन करने के लिए 16 GB का रैम होना चाहिए, ये जो सॉफ्टवेयर जो रिकमेंड करता है यार वो करता है 32 GB का। साथ ही में आपके पीसी में जो है कोई भी सब प्रोसेसर हो जिसमें जो है 6 कोर होने चाहिए, मतलब कि सिंपल सा है इंटेल का i5 या फिर Ryzen 5 सीरीज़ में कोई भी सा होना चाहिए जिसमें जो 6 कोर मिले कम से कम, वहीं पर इसको जो है एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड भी चाहिए 2 GB का। आप कोई भी सा ग्राफिक कार्ड हो मतलब नहीं है, पर डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड 2 GB का अनिवार्य है। तो भाई से जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है ना यार थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लगा, क्योंकि यार नॉर्मल बंदे के पास क्या है ना 16 GB का रैम नहीं होता है, 8 GB का ही रैम होता है। अब मेरे भी पीसी में जो है 16 GB का रैम है, और उसमें जो है काफ़ी अच्छा चल गया, तो बहुत मतलब कोई भी मुझे जो है लैग वैग नहीं मिला। साथ ही मैं यार बता दूं ये जो भाई जो सॉफ्टवेयर है ना, ये जो है आपका जो GPU और जो CPU है दोनों को लेकर चलता है, मतलब कि अगर आप जो है रेंडर कर रहे हो तो CPU और GPU दोनों को जो यूज़ मिलेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ CPU या फिर GPU को यूज़ मिल रहा है, पर 16 GB रैम ज़्यादा है। तो अगर आपके पीसी में 8 GB रैम है तो यहाँ पर आ जाते हैं यार हमारे लिस्ट में सेकंड नंबर पर यार एडोबी का प्रीमियर प्रो। एडोबी प्रीमियर प्रो मैं बोलूँगा करीब मैं 1 साल से ज़्यादा हो गया मुझे यूज़ करते हुए, स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा टफ लगता है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगता है कि भाई कुछ समझ नहीं आता क्या है, पर जैसे जैसे आप इसको यूज़ करोगे यार बहुत आसान लगता है। अभी मैं 1 साल से ऊपर होने वाला है भाई, बहुत आसान लगता है, मैं सब कुछ कर रहा हूँ। मुझे सबसे बेस्ट लगता है इसका टाइमलाइन, मतलब टाइमलाइन पूरा फ्री रहता है, जहाँ रखना है रख लो, क्लिप कहीं बीच में ब्लैंक छोड़ना है ब्लैंक छोड़ सकते हो, आगे पीछे करना है कर सकते हो, कटिंग मतलब एकदम शॉर्टकट भी बहुत सारा आता है, साथ में आप जो है क्रिएट भी कर सकते हो, तो बेस्ट लगता है। साथ ही में इसका मुझे एक और बेस्ट लगता है वो है भाई इसका भाई जो भी
रहता है, लट्स वगैरह है, प्रीसेट्स वगैरह है, ये सब आपको जो है भाई फ्री में मिल जाते हैं, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है अडोबी का प्रीमियर प्रो भाई बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो लोग जो है यूट्यूब में गूगल में सर्च करना फ्री डाउनलोड ये करके, तो इतने सारे आपको लट्स मिल जाएंगे, फ्री में प्रीसेट्स मिल जाएंगे, इफेक्ट्स मिल जाएंगे, जितना आप भाई सोच ही नहीं सकता है, मतलब कि जो दाविंची है उससे कहीं ज़्यादा मिल जाएगा। तो यार ये जो मुझे प्लस पॉइंट लगता है, और इसी वजह से मैं जो है स्विच धीरे से कर रहा हूँ, ना कि एक ही बार कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारा जो टेक्स्ट जो एनिमेटेड टेक्स्ट होते हैं वो सबको जो है डाउनलोड करके रखा हुआ है, और उसमें भाई मुझे नहीं मिल रहा है। तो प्रीमियर प्रो बस यही एक रीज़न है, लेकिन इसका एक जो डाउनग्रेड हुए लगता है मुझे इसका यार प्राइस भाई, ये जो है फ्री नहीं है, इसके लिए आपको भाई मंथली 2,000 रुपये पे करना पड़ता है। अब सिर्फ एक सॉफ्टवेयर का 2,000 रुपये है, तो सिंपल सी बात, मैं जो है अडोबी का फोटोशॉप भी यूज़ करता हूँ और आफ्टर इफेक्ट भी यूज़ करता हूँ और ऑडिशन भी करता हूँ, तो ऐसा करके मैं तो पूरा सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा, तो जो 5,000 जो है मुझे पे करना पड़ता है, जो कि यार भाई सुनने में ठीक ठाक सा लगता है, क्योंकि वीडियो एडिटिंग ऐसा स्किल है जहाँ से आप जो है लाखों रुपये जो है कमा सकते हो, तो ठीक लगता है। पर आप सोचो हर मंथ 5,000-5,000 रुपये, तो साल का कितना हुआ, लगभग 60,000 रुपये हुआ। फिर हमें जो है ऐसा नहीं है एक साल यूज़ करना है, एक महीने यूज़ करना है, भाई लाइफ टाइम यूज़ करना है। तो इनको जो है लाइफ टाइम का एक प्लान रखना था, जो कि लोग नहीं रखते हैं, पता नहीं क्यों नहीं रखते हैं, शायद अपने पैसे कमाने की वजह से होगा। मुझे सबसे ज़्यादा बेकार यही लगता है, इनको जो है एक लाइफ टाइम का जो है रखना चाहिए, कि भाई हालांकि 1 लाख रुपये दो, लेकिन पूरा लाइफ टाइम आपका हो जाएगा, ये जितना भी अपडेट आएगा आपको सब मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है इनका सिस्टम, तो मुझे यही बेकार लगता है। वहीं पर बात करें यार सिस्टम रिक्वायरमेंट का, एडोबी प्रीमियर प्रो का सिस्टम रिक्वायरमेंट का, तो इसमें आपको एटलीस्ट यार 8 GB का रैम चाहिए, 4 GB रैम में भी रन कर देगा, पर सिर्फ रन करने का नाम में रन करेगा, ऐसा नहीं कि चल जाएगा, 8 GB रैम मिनिमम होना चाहिए, और 8 GB रैम में भी ये लैग होगा, जैसे कि जो भी फ्रेम अगर कुछ भी डाल रहे हो, क्लिप डबल ट्रिपल हो रहा है, कुछ इफेक्ट डाल रहे हो, तो भाई रेड हो जाएगा, आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो अबाउ बोलूँगा 10 GB रैम या फिर 12 GB रैम है, तो उस केस में काफ़ी अच्छा चल जाएगा, पर मिनिमम आपके पीसी में जो है 8 GB रैम होना चाहिए। वहीं पर बात करें प्रोसेसर का, तो यार आपके जो सीपीयू है उसमें जो है 4 कोर तो होने ही चाहिए। 4 कोर का मतलब सीधा सा इंटेल का i3 या फिर राइजन थ्री में कोई भी सा आप जो है ले सकते हो, जिनमें जो 4 कोर और 4 थ्रेड्स हो, थ्रेड्स मतलब नहीं, पर 4 कोर होने चाहिए। साथ ही मैं ग्राफिक्स कार्ड बात कर रहे थे, और ग्राफिक्स कार्ड जरूरी नहीं है इसके लिए, अगर आपके पास जो एक लैपटॉप है जिसमें जो है 8 GB रैम है और i3 या फिर i5 प्रोसेसर है और कोई भी से ग्राफिक कार्ड नहीं है, मतलब कि इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड है इंटेल का UHD वगैरह, तो उस केस में जो है चल जाएगा। पर हाँ अगर होगा ग्राफिक्स कार्ड जाएगा 1 GB का हो चाहे 2 GB को, तो ये जो है और अच्छे से चल जाएगा, जैसे कि अगर आप जो है भाई इफेक्ट वगैरह डाल रहे हैं तो ये जो है काफ़ी अच्छा खास जो है वर्क करेगा। अच्छा यहाँ पर मैं आपको जो है एक प्रो टिप देना चाहता हूँ भाई, अगर आप जो है कोई भी सा पीसी बिल्ड कर रहे हो एडिटिंग के लिए एडोबी प्रीमियर प्रो के लिए, तो भाई वहाँ पर जो पैसा है ना उसको यार ग्राफिक्स कार्ड में ज़्यादा खर्च मत करना। एग्जाम्पल के लिए अगर आप जो है ग्राफिक्स कार्ड ले रहे हो 20,000 रुपये का, और जो सीपीयू ले रहे हो प्रोसेसर ले रहे हो वहाँ ले रहे हो 15,000 रुपये का, तो ऐसा मत करना, आप उसका उल्टा करना, जो सीपीयू है उसको लेना भाई 20,000 रुपये का और जो ग्राफिक्स कार्ड है उसको लेना 15,000 रुपये का, क्योंकि जो एडोबी का प्रीमियर प्रो यार आपको जो ग्राफिक्स कार्ड है ना उसको जो यूज़ में ज़्यादा नहीं लेता है, 30% 40% जो यूज़ करता है, लेकिन जो सीपीयू है उसको यार 100% करता है। अब हाँ भाई ये जो सीपीयू बेस्ड सॉफ्टवेयर है बोल सकते हो ऐसा, तो सीपीयू में जो है ज़्यादा ध्यान देना अगर आप जो पीसी बिल्ड करते हो। तो अब बात करते हैं मैं के यार तीसरे एडिटिंग सॉफ्टवेयर का, तो यार वो आता है भाई फाइनल कट प्रो एक्स। फाइनल कट प्रो यहाँ पर बता दूँ ये जो है विंडोज यूज़र के लिए नहीं है, अगर आपके पास मैक है तो फिर भाई आप सब कुछ भूल जाओ, बस इसी के पास चले जाओ यार। इसका एक रीज़न है कि ये जो है एक ही बार आपको बाय करना पड़ेगा फाइनल कट प्रो एक, तो अगर आपने जो है एक बार बाय कर लिया 25,000 रुपये देकर, उसके बाद भाई लाइफ टाइम आपका हो जाता है फाइनल कट प्रो, और भाई जो भी अपडेट वगैरह रहेंगे आपको मिल जाएगा। और साथ ही में अगर आपके पास मैक है तो यार मैक में एडोबी का प्रीमियर प्रो या फिर दाविंची ये सब यूज़ करोगे ना, तो जो है अच्छा और जो परफॉर्मेंस है वह जो है नहीं देगा, क्योंकि जो फाइनल कट प्रो है वो जो है एप्पल का है और जो मैक है वो भी एप्पल का ही है, तो दोनों जो है ऑप्टिमाइज है, तो जो रेंडर स्पीड है और जो एडिटिंग स्किल वगैरह है भाई काफ़ी अच्छा है। मैं जो ज़्यादा बोलूँगा नहीं, क्योंकि यार मैंने जो है ऐसा नहीं है कि मैं जो एक महीना तक इसको यूज़ किया हूँ, मैंने बस थोड़ा सा देखा है, थोड़ा सा यूज़ किया हूँ, तो मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता, बाकी काफ़ी अच्छा लगा। अगर मैं जो स्विच होता हूँ मैक में, तो मैंने जो सब सॉफ्टवेयर जो छोड़कर भाई फाइनल कट प्रो एक्स में जाऊँगा, दाविंची का शायद है, बट फाइनल कट प्रो एक्स में मैं जो है मूव होऊंगा बहुत जल्द, क्योंकि यार ये चीप है। ओके अब बात करते हैं भाई हमारे लिस्ट के चौथे एडिटिंग सॉफ्टवेयर का, तो वो आता है भाई फिल्मोरा। बता दूँ यार यहाँ पर जो फिल्मोरा एक्स है मैंने यूज़ नहीं किया है, और जो फिल्मोरा 9 है उसको जो मैंने एक बार यूज़ किया था, मतलब ट्राई कर रहा था, पर प्रॉब्लम क्या था वो जो यार मतलब 8 GB का रैम मांगते हैं, और मेरे जो लैपटॉप था लेने का Adafruit 320 उसमें भाई था 4 GB रैम और i3 था, कोई भी सा ग्राफिक्स कार्ड नहीं था, तो जो फिल्मोरा 9 था यार वो जो इसमें नहीं चला। तो मैं जो फिल्मोरा आपको बता रहा हूँ वो शायद फिल्मोरा क्लासिक होगा,
मुझे नहीं पता, यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो मैंने जो है वीडियो भी बनाया था इसके ऊपर, तो चैनल पर होगा तो ऊपर आइकन डाल दूंगा। तो ये जो फिल्म हो रहा है, अगर आपके पीसी में 4 GB रैम है, i3 प्रोसेसर है और भाई कोई भी सा ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, तो भाई ये सॉफ्टवेयर ना आप ही के लिए बना है। लाइक यार पहली बात तो कोई भी लैग नहीं होता है, एकदम स्मूथ चलता है। भाई मैंने चार चार पाँच पाँच यहाँ तक 10 10 GB का जो गेम है ना, गेम बोल रहा हूँ जो वीडियो है ना यार, वो जो इसमें रेंडर किया हूँ और वो भी भाई आधे घंटे से कम में कर दिया। मतलब अगर जो मेरा जो वीडियो 4 GB का है, तो इसने जो है 10 मिनट से पहले जो है रेंडर कर दिया है। मैंने जो है बहुत सारा जो लेयर वगैरह जो यूज़ में लिया है। अगर आप एक बिगिनर हो, इससे पहले आपने जो है कोई भी सॉफ्टवेयर जो है यूज़ में नहीं लिया है एडिटिंग के लिए, एडिटिंग सीखने वाले हो, सीख रहे हो, तो भाई इस सॉफ्टवेयर से स्टार्ट करना। मैंने भी इसे किया था और आप जो अच्छे से यूज़ करोगे ना, तो आप जो है हफ्ते से 2 हफ्ते में इसमें जो है भाई एक मतलब नूब से प्रो बन जाओगे, इतना ईजी है। उसके बाद फिर आगे जो भी सॉफ्टवेयर जो है मूव करोगे, उसमें आप जो है और एडवांस सीखते जाओगे। इसमें आप जो है कट पेस्ट ये वगैरह जो है सब कुछ सीख लोगे, काफ़ी ईजी है। और फिल्मोरा क्लासिक है बता रहा हूँ, अभी मुझे नहीं पता था क्या प्राइस है, कितने GB का आ रहा है। उस टाइम मेरे ख्याल से ये 500 से 600 MB का आ रहा था, 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। और काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे, और मैंने इसको वो चला रहा था, मैंने बाय नहीं किया था। तो ऐसा है, काफ़ी अच्छा है। अभी मुझे इसका कोई भी आइडिया नहीं है, अभी फिल्मोरा एक्स चल रहा है, उनकी वेबसाइट पर होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, कहाँ से डाउनलोड करोगे मुझे भी नहीं पता, पर ये 4 GB रैम है तो इसी को डाउनलोड करना। आप जिनके पास भाई 4 GB रैम भी नहीं है, 2 GB रैम है, 3 GB रैम है, डुअल कोर प्रोसेसर है, कोई भी सा ग्राफिक कार्ड नहीं है, उनके लिए हमारे लिए सके पाँचवा एडिटिंग सॉफ्टवेयर यार मोवावी। मोवावी को आप बोल सकते हो भाई आई मूवी। आई मूवी जो एप्पल का है जो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, जो कि मैक के लिए बनाता है और फिर उनका फ्री में मिल जाता है, प्ले स्टोर रहता है, तो वैसे एक सॉफ्टवेयर है भाई, बहुत ईजी है और बहुत ही कम जगह लेता है। और बता दूँ मैंने जो है भी इसको जो है यूज़ में लिया है, पर यूज़ में ज़्यादा इसी ने लिया, क्योंकि यार मैं जो इससे पहले वंडर से यार फिल्मोरा जो यूज़ में ले रहा था, वंडर से फिल्मोरा से इसके बाद जब इसमें आया मैं मोवावी में, तो मुझे जो है डाउनग्रेड लगा। मतलब कि मुझे लगा कि इसमें थोड़ा एडवांस नहीं है, थोड़ा और कम है, तो क्यों मैं नीचे चला जाऊँ। तो इसके लिए मैं जो इसको यूज़ में करना बंद कर दिया। बाकी ये जो पूरा फ्री था उस टाइम, अभी भी फ्री होगा, फ्री है ये तो, फ्री है सॉफ्टवेयर मान लेना, 2 GB रैम में भाई बेस्ट आ जाएगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो स्टार्टिंग इससे भी कर सकते हो, देन अगर आप जो जो इसमें अच्छा खासा आ जाता है, उसके बाद वंडर से फिल्मोरा में जा सकते हो, और उसके बाद दाविंची या फिर एडोबी का प्रीमियर प्रो, जहाँ मर्जी आप जो शिफ्ट हो सकते हैं, स्विच कर सकते हो। पर स्टार्टिंग मैं बोलूँगा भाई, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो सिंपल सा वंडर से फिल्मोरा या फिर मोवावी, इन दोनों से करो। और अगर आपके पीसी में अच्छा खासा है तो डायरेक्ट आप जो है भाई प्रीमियर प्रो में ही करो। ट्यूटोरियल्स देखो, मैंने खुद बहुत टाइम तक मतलब एडिटिंग सीख रहा हूँ, लाइक मैं अभी भी जो है ट्यूटोरियल्स जो है देखता हूँ एडिटिंग का और सीखता रहता हूँ। ऐसा कुछ है तो नहीं था वीडियो में, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो भाई क्या कर रहे हो, इस वीडियो को लाइक कर दो। और कोई भी जो सॉफ्टवेयर जो है डाउनलोड करना हो वाला, तो ऊपर आई कार्ड में एक वीडियो को जो है लिंक है, तो आप उस टाइप से जो है इस सॉफ्टवेयर जो है डाउनलोड कर सकते हो, वो काफ़ी सेफ वेबसाइट है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही था, मैं मतलब से नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।